हेलो दोस्तों, आज फिर से एक शब्द के बारे में बात करते हैं। हम सब आजकल के दौर में इंग्लिश का एक शब्द बहुत यूज़ करते हैं और वो शब्द है CARE, केयर। केयर एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर हम इसका मीनिंग देखें तो वो बहुत सारे अर्थों को समेटे हुए होता है और ये बड़ा प्यारा सा शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ जब भी हम जहाँ भी किसी के लिए यूज़ करते हैं वो इंसान को इंसान के लिए जोड़ता है। इसका आप यूज़ करेंगे जैसे कि टेक केयर, ही इज़ वेरी केयरिंग, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ। हम कह तो केयर ही रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है। कहीं हम इसको देखभाल के लिए यूज़ करते हैं, कहीं हम इसको किसी का ख्याल रखने के लिए यूज़ करते हैं, कहीं ये फिक्र का जिक्र करते हुए नज़र आता है, कहीं हम ईश्वर से अपनी जब प्रार्थना करते हैं तो हम उनसे भी ये कहते हैं कि आप हमारी देखभाल करिए, हमारी केयर कीजिए या उसकी केयर कीजिए, उसके लिए अच्छा रखिए, उसका ख्याल रखिए। तो एक ऐसा शब्द जो अपने आप में सिर्फ प्यार के अर्थों को या कंसर्न या एक कनेक्टिविटी और एक केयरिंग के नज़रिए को रखता है। इंग्लिश में सिर्फ ये केयर होता है, लेकिन जब हम हिंदी में इसका अलग अलग जगह पे प्रयोग करते हैं तो ये बहुत सारी मानवीय फीलिंग को लेके आता है। केयर सिर्फ शब्द नहीं, ये एक फीलिंग है। अगर मुझे लगता है कि कोई बंदा मेरे लिए केयरिंग है तो वो बंदा मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगने लगेगा। और ऐसे ही हम किसी के लिए अगर केयर दिखाते हैं तो हम भी उसके लिए कहीं ना कहीं एक अलग जगह रखने लगते हैं। तो जो शब्द अपने अर्थों में इतना प्यारा, इतना अच्छा कि वो आपको इंसान के रूप में इंसान से जोड़ता हो, वो सिर्फ मतलब कहिए कि दुनिया के लिए तो एक जादू सा बन जाता है। और मेरा मानना ये है कि इस शब्द की अगर हम इसके सही मायनों को समझ लें तो ये वाकई दुनिया के लिए एक जादू भरा शब्द हो जाएगा। क्योंकि जब भी हमारे मन में ये भावना आएगी कि ये केयर के प्रति हम इसके लिए थोड़ा संजीदा हो जाएं या हम इसको समझें, तो हम किसी के ऊपर कभी भी बहुत क्रुएलिटी नहीं कर सकते हैं, हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस शब्द का अगर हम सिर्फ यूज़ ना करके इसको समझ के यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।